हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे मूली की भुजिया, जो कि बहुत ज़्यादा पेट के लिए फ़ायदेमंद होती है, डाइजेस्टिव के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पेट को फ़ायदा पहुँचाती हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ मैंने इसके लिए 1 किलो मूली ली है और इसको मैंने काट रखा है। जो हम इसमें सामान लेंगे, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही अच्छी सब्जी बनकर आती है। तो यहाँ मैंने 10 से 12 लिए हैं लहसुन के क्लोव, इसको फाइन चॉप्ड कर रखा है। 1/2 टीस्पून ली है हल्दी, 1 टीस्पून लिया है नमक, 10 ली है लाल साबुत मिर्चें और 1 बंच लिया है पूरा गार्लिक का। तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ मैंने इसका पेस्ट बना के रेडी कर रखा है। तो बस सीधे हम इसे बनाते हैं। कुकर में मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन डाल देंगे और जो मैंने पेस्ट बनाया है इसमें गार्लिक का और चिली का, तो मैंने लहसुन जो है इसमें छील के यूज़ किया है। हल्का से इसे फ्राई करेंगे पिंक होने तक। लहसुन पिंक होना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे हम फ्लेम को कम कर देंगे एकदम, और इसी में डाल देंगे हल्दी और लहसुन मिर्च का मिक्स और साथ ही में नमक। हल्का सा फ्राई करेंगे इसको। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑयल इसमें रिलीज हो रहा है। तो यहीं पे हम इसके अंदर मूली ऐड कर देंगे। तो थोड़ी सी चटपटी स्पाइसी सी ये मूली की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने 1 किलो मूली ली है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को। थोड़ा मूली देर में गल कर आती है इसलिए मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, बाद में हम इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देते हैं हाई फ्लेम पर। पहले हम इसे एक सीटी लगाएंगे इसमें। एक सीटी के बाद हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे कम से कम 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और ढक्कन इसका खोल लेते हैं कुकर का। यहाँ हमने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसे हम हाई फ्लेम पर इसको भुनेंगे और हल्का हल्का सा मूली को मैश करते चलेंगे। इसे हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल बिल्कुल अलग नहीं हो जाता और पानी इससे एकदम ड्राई नहीं हो जाता। इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल देते हैं। ये मूली की भुजिया बनके रेडी है। आप इसे पराठे के साथ खाएं या रोटी में घी लगा के खाएं और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। गुड बाय, हैव अ गुड डे।